भाई की शादी थी तो मैंने सोचा हेयर कट करा लेती हूँ, और बहुत टाइम से हेयर कट नहीं कराया था। तो जैसे ही मैं एंटर हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि मेरा पूरा लुक चेंज कर देना। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लुक चेंज कर दिया मेरा। मेरे बाल इतने गंदे काटे, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। पर वो इतनी स्वीट थी कि मैंने उनको बोला नहीं। इससे पहले जितने भी फंक्शन थे उसमें मेरे बाल थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इतने शॉर्ट हेयर और ये वाला हेयर स्टाइल मेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। यहाँ पे मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैंने जो पार्लर है जिससे मैं हेयर कट कराती हूँ वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो वो मेरे बाल थोड़े अच्छे कर देंगे। पर ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। पर दोस्तों इसके बाद हम सब तैयार होने के लिए चले गए और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। Yeah.
सब हंसो प्लीज हंसो चीयर्स चीयर्स मामा जी भूल गए ले आए छोटू को लीला छोटू को ले आए चिल्लाओ तो ये इतना फनी मोमेंट था ना। मैं अपनी मम्मी को सुबह से कह रही थी कि मैं शादी देखूंगी, और पता नहीं मुझे कहाँ से चार कुर्सी मिली। मैंने जैसे तैसे उसे मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेटी हुई थी, सोच रही थी कि शादी देखूंगी, और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। और जैसे ही मैं उठी पूरी शादी हो चुकी थी, तो अच्छा हुआ मम्मी ने सारी वीडियो ले ली थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं तो चार कुर्सी में सो गई और पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी नींद आई, इतने अच्छे सपने भी आ रहे थे, सुबह उठी तो शादी हो चुकी थी। अभी डालना क्या? कौन मार रहा है? कोई मार रहा है? बस ही हो रहे हैं। पिता नीचे डाल के चूड़ीदार सो गए। ये गिरा दिया। समपित्रौ ममापि तथेश भक्तो निज कर्म पूर्यम् वामाङ्गमी दया तव दीयम् भवती कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरा वचन क्या मानती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो, उसी प्रकार आज से अपने सास ससुर यानी मेरे माता पिता का भी आदर करो, और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार। माफ करना।
भाषणी ससुरियोर भक्ता मदा अधिकारी धर्मा भक्ति परायणा भवसी नम ज्ञाता स्वागतम। अर्थात ये प्रिय आज से आप ये मांग रहे हैं आपसे आप कहीं वन बगीचे बाग बगीचों में अकेली नहीं जाओगे, पर पराये मनुष्यों के सामने नहीं हंसो। अरे आपने खाने ऐसे कर दिया ठीक है। अच्छा एकांत में किसी पर पुरुष से बातचीत नहीं करूंगी। अरे यार कोई पता पूछने आया है तो कैसे कोई है तो बताना तो पड़ेगा। हाँ और आज के सुशील मिष्ट भाषा यानी मीठा व्यवहार करने वाली सास और ससुर की सेवा करने वाली बोलर वाला हैंग हो ही गया पति धर्म का पालन करने वाली ईश्वर भक्ति में यदि आप मायन रहती हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जोर से बोलिए स्वस्ति स्वस्ति। हमारे बल की आवाज एक जो जो बच्चन पंडित जी बोल रहे हैं उससे पहले छोटू छोटू पंडित जी एकदम हाँ बच्चनों का उसने कहा हे लक्ष्मी तुम उधर मत मित्रों सखे हे मित्र मम अनुपदा भवता मेरे पीछे पीछे आओ। मैं आगे हूँ तलवार भले भी दिखती नहीं है लेकिन तलवार के साथ आगे तुम्हारी अर्थात हे प्रियवर यदि आज से आप तीर्थ यात्रा पे जाओ तो मुझे भी साथ लेके जाओगे। कोई व्रत करोगे उद्यापन करोगे तो आज से मुझे भी साथ लेके करोगे ठीक है ना। और धर्म कर्म के कार्य करोगे तो मुझे भी आप साथ लेके करोगे। तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तो आप बोलिए ये कन्या आपसे पहला वचन मांगती है आप बोलिए स्वस्ति। जोर से बोलिए मुझे नहीं सब कुछ सुनाना है स्वस्ति। हाँ भाई सुन लो। बहुत ही यादगार शादी थी और इतने मज़े किए इतना अच्छा लगा। अब लोग हम लोग अहमदाबाद से सुबह अगले दिन ही जोधपुर के लिए निकल गए थे। बीच में एक बहुत अच्छा ढाबा था, ढाबे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे हमने ये खाया था रोटी सेब टमाटर की सब्ज़ी दाल और सलाद और कड़ी भी आई थी वो बाद में आया था। रस्ते में ओम बन्ना का मंदिर भी आया था तो हमने उनके भी दर्शन किए। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि आप शादी का वीडियो क्यों नहीं डाल रहे क्यों नहीं डाल रहे। तो है ना अभी हमारे पास ना फ़ोटो नहीं आई है, पूरी फ़ोटो नहीं आई है मेरे पास। तो जैसे ही मेरे पास पूरी फ़ोटो आ जाएगी तो मैं फ़ोटोज़ का अलग वीडियो बनाऊंगी। और मैंने सोचा था कि सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी तभी मैं वीडियो डालूंगी, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर हो जाएगी फ़ोटो आते आते। तो वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, होपफुली जल्दी से जल्दी मैं सारी फ़ोटोज़ के साथ भी आप लोगों के साथ आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों बाय, वापस मिलूंगी ऐसी ही एक नई और मज़ेदार से ब्लॉग के साथ।